हेलो स्टूडेंट, अज आपां डिस्कस करन जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि तुहानू पता है मतलब सैप्टेंबर मंथ दे विच मिड टर्म दे एग्जाम आउंदे आ, ते मिड टर्म दे विच आपां कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे बारे डिस्कस करन जा रहे हैं। क्वेश्चन चैप्टर एक तो लैके तीन, फस्ट सैकेंड थर्ड चैप्टर दे विचों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हां दे बारे आपां डिस्कस करन जा रहे हैं। तां सब तो पहला अपने कोल क्वेश्चन है चैप्टर नंबर फस्ट दे विचों, जिवें तुहानू पता लैमा वाला टॉपिक आपां नूं कट्टिया गया, तां लैमा टॉपिक ते कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो उस तो बाद अपने को एक्सरसाइज आती 1.2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपने क्वेश्चन नंबर फस्ट है अपने को, गिवन दैट HCF 306 657 का 9 है, आपने एलसीएम फाइंड करना है। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन है, तो ये चंगी तरह करना है। तो अकाल अकैडमी के पेपर में पहला भी काफ़ी बार आ चुके हैं। उस तो बाद आ जाते हैं सैकेंड है 1.3 एक्सरसाइज। 1.3 के इरैशनल प्रूव करना है, तुम जिमें कि क्वेश्चन सारे देख चुके हो पहला भी। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है अपने को, रूट टू इज़ इरैशनल, एक एग्जाम्पल है। इस दे विच रूट थ्री भी आ सकता है जिसनों इरैशनल प्रूव करना है, या रूट फाइव भी इरैशनल प्रूव करना आ सकता है। तीन नंबर का क्वेश्चन आ सकता है जिंदे विच प्रूव दैट रूट टू इज़ इरैशनल और प्रूव दैट रूट थ्री इज़ इरैशनल, एक क्वेश्चन अपन आ सकता है एक्सरसाइज 1.3 के। उस तो बाद 1.4 का जो फस्ट पार्ट है वो सारा करना है, जिंदे विच आपां ये पता करना है टर्मीनेटिंग ते नॉन टर्मीनेटिंग। टर्मीनेटिंग केड़ा होएगा जिंदा रिमाइंडर अपने को जीरो आएगा, नॉन टर्मीनेटिंग जिंदा अपने को रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। या आप जो टेंथ वाले फॉर्मूले नाल कीते आ, मतलब टू होना चाहिए या फाइव होना चाहिए या दोवें होने चाहिए, वो क्वेश्चन भी अपने को आ सकता टर्मीनेटिंग नॉन टर्मीनेटिंग। एक्सरसाइज 1.4 का फस्ट पार्ट है, फस्ट पार्ट के कोई 7-8 क्वेश्चन है, सारे चंगी तरह करने हैं। उस तो बाद सैकेंड चैप्टर के जो अपने को क्वेश्चन है सैकेंड चैप्टर फाइंड द जीरोज़, ये अपने को एक एग्जाम्पल है जिंदे आप एक्सकेयर प्लस 7x+10 के जीरोज़ फाइंड करनी है। उस तो बाद रिलेशन फाइंड करना है जीरो तो कोफिशिएंट के विचाले, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता अपने कोई सिंपल जहा क्वेश्चन कोई भी जिंद आप जीरोज़ फाइंड करनी है, उस तो बाद उन्होंने रिलेशन फाइंड करना। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के आप सम ऑफ जीरो तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ गिवन होंगे जिंदी आप इक्वेशन बनानी है। जिमें अपने को इक्वेशन का फॉर्मूला की होंगे एक्स स्केयर माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ये अपने को इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाने का फॉर्मूला होंगे। ये क्वेश्चन नंबर आ सकता अपने को 2 या 3 मार्क्स के। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9, सैकेंड चैप्टर की एग्जाम्पल नंबर 9 ने काफ़ी बारी एग्जाम्पल आ चुकी है, जे बिल्कुल सेम इन तरह क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिंद दो जीरोज़ गिवन हो दो जीरोज़ आप फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकाल अकैडमी के पेपर मोस्टली 90% तो लैके 100% तक इन चांस होंगे क्वेश्चन के आने। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, मतलब वीडियो के क्वेश्चन नंबर 8 इन आने ज़्यादा चांसिज है, तो क्वेश्चन 7 के आने भी चांसिज बन सकते हैं, इन दोवों कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 2.3 का फोर्थ क्वेश्चन है जिंद PX QX तो RX गिवन है, GX आप फाइंड करना, उन्होंने भी थोड़ा देख लियो जरूर क्योंकि वह क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पर इन्ना ज़्यादा नहीं है जिन्ने ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस तो बाद 2.4 वैसे तो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, कोई आने चांसिज नहीं है, पर फिर भी तुम उन्हें जो क्वेश्चन है फाइंड इफ़ द जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल x³ - 3x² + x + 1 are a - b, a and a + b, फाइंड a and b, ये क्वेश्चन तुम देख लियो। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.4, वैसे ऑप्शनल एक्सरसाइज है तो इन्हें आने बहुत घट चांस है, पर फिर भी इन जरूर एक बार देख लियो क्योंकि फाइनल पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस तो बाद थर्ड चैप्टर आ जाता, चैप्टर का नाम अपने को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल, जिंद 3.1 के कोई क्वेश्चन आने के चांसिज नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उस तो बाद अपने को 3.2 एक्सरसाइज है जिंद अपने क्वेश्चन बन सकता है जिमें आप है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इनफानाइट मैनी सल्यूशन या यूनीक सल्यूशन या नो सल्यूशन वाले क्वेश्चन का कोई बन सकता है, पर इनका 3.2 के एक क्वेश्चन है हाफ द पैरीमीटर ऑफ रैक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर दैन इट्स विथ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, ये क्वेश्चन आने चांसिज है 3.2 का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 11 है जो अपने को वीडियो दे विच नूरी ते सोनू दी एज वाला, नूरी ते सोनू दी एज वाला इन्दे क्वेश्चन इन्दे विचों भी एक क्वेश्चन अपने को जरूर बन सकता है। एज वाले अपने को दो क्वेश्चन है, दो प्रॉब्लम है एज वाली अपने को।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਕਬ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੂਰੀ ਅਤੇ ਸੋਨੂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂ ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ, ਟੂ ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਦੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਬਣਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ 3.4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦਾ ਥਰਡ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਟੂ ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ 3.5 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 3.5 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 15 ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 16। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 15 ਅਤੇ 16 ਨੰਬਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਾਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਕ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3.5 ਦਾ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਦੀ ਅਤੇ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਨਫਾਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੋ ਸਲਿਊਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ 3.5 ਦਾ ਫੋਰਥ ਦਾ ਫੋਰਥ, ਪਲੇਸ ਏ ਅਤੇ ਪਲੇਸ ਬੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਜਦੋਂ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਲੈਂਥ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ ਸਟਰੀਮ ਅਤੇ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 19 ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ 3.6 ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਅਪ ਸਟਰੀਮ ਅਤੇ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ 2 ਵੂਮੈਨ ਅਤੇ 5 ਮੈਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ 3.7 ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ PX+QY=P-Q ਜਾਂ QX-PY=P+Q, ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ 3 ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਪੈਟਰਨ, ਕਿਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈਪਟਰ 4-7 ਦੇ ਜਾਂ ਚੈਪਟਰ 9 ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।